वैक्सीनेशन अभी जो है 92 करोड़ से ज़्यादा डोज दी जा चुकी है, क्या अब कोई कैलकुलेशन किया है आपने कि जो तय आबादी है कब तक, दिसंबर तक क्या सबको वैक्सीनेट कर देंगे? और दूसरा ये सवाल है कि एक एक बार दोनों डोज लग गई उसके बाद कितने वक्त तक उससे प्रोटेक्शन मिलता है कोरोना से, क्या इसको लेकर कोई रिसर्च या कोई तय टाइमिंग है? थैंक यू। देखिए, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जिसकी बात आपने करी कि हमने अपने सिटीजन्स को, अपने देशवासियों को जल्दी से जल्दी पूरा वैक्सीनेट करना है, और आप देख रहे हैं कि उसमें वी आर मूविंग प्रिटी मच ऑन ट्रैक। जो दूसरी बात आपने कही, इम्पॉर्टेंट बात है कि वैक्सीन की मिलने के बाद में प्रोटेक्शन कब तक रहती है, इज़ देयर अ नीड फॉर एन एडिशनल डोज, अ बूस्टर डोज और एनुअल डोज। मैं ये फिर कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने शायद कहा है यहाँ पे, कि दिस इज़ एन इवॉल्विंग साइंस, एन इवॉल्विंग पैराडाइम ऑफ इंफॉर्मेशन। पूरी तरह से पता ही नहीं है अभी भी, कल परसों ही एक आई है स्टडी, जो पहले जो बाहर के वैक्सीन है उसको पहली बार ही बता रहे हैं कि 6 महीने तक कुछ होता है, उसके बाद कुछ प्रोटेक्शन में चेंज आती है। दैट डेटा इज स्टिल इमर्जिंग। ये वैक्सीन बने ही कुछ महीने पहले, कि इवन जो प्रोटोकॉल में पेशेंट्स हैं उनको भी अभी पूरे पूरे टाइम नहीं मिला। द शॉर्ट आंसर इज कि वी आर वॉचिंग दिस साइंस वेरी वेरी केयरफुली थ्रू आर एंटैगी सिस्टम। वी नो दैट दैट देर इज कोवैक्सीन हैज़ डन अ स्टडी ऑन बूस्टर डोज in through their protocol, their results could be expected anytime, give some insights. We also are aware that although the antibody can disappear, T cell, presence of T cell immunity, it is a huge protection for future infection. That has to be also accounted for. Aur ye bhi malum hai ki kisi bhi WHO ने या ऐसी कोई क्लियर कट रिकमेंडेशन नहीं दी है। FDA ने जो रिकमेंडेशन दिया है वो सिलेक्टेड ग्रुप्स की बात करी है, और उसमें भी दो राय हैं। ये टाइम में आर्टिकल है जो कहता है कि अभी कोई आम राय नहीं बनी है। द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड इज एसेंशियली दैट इट इज़ एन इवॉल्विंग लर्निंग फेज इन दिस रिगार्ड। वी आर वॉचिंग दिस सिचुएशन, वी आर वॉचिंग द साइंस एज इट एमिनेट्स, एंड देर आर स्टडीज दैट आर लुकिंग एट दिस एस्पेक्ट इन इंडिया एज वेल। थैंक यू।